नमस्ते दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो चलिए देखते हैं। पूरी के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है ये खट्टा मीठा आलू पेठा की सब्ज़ी। ये बहुत डिलीशियस है, पूरी पराठा रोटी नान के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, और बिना प्याज लहसुन का ये बहुत डिलीशियस भी बनता है। इसके लिए आलू पेठा और परवल को मैंने काट लिया है। यहाँ उबले मटर और चना रखा है, ये मसालों का पेस्ट है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी क्या क्या इसमें मैंने पेस्ट किया है। और तड़का के लिए मिर्च और तेजपत्ता। सबसे पहले सरसों के तेल गरम करके उसमें परवल को फ्राई करूंगी। यहाँ तड़का के लिए कुछ रखा है मैंने, 5 फोरन हींग, करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च, तेजपत्ता। आलू परवल फ्राई हो गया है, अब आलू और पेठा को मैं फ्राई कर लूँगी ढक के। गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो में रखना है। देखिए आलू और पेठा फ्राई हो गया है, इसको तेल से निकाल लेंगे। अब उसी तेल में तड़का लगाएंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद मसालों का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें है अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली का पेस्ट है, और 4 मगज। अब ड्राई मसाला ऐड करूंगी, स्वाद अनुसार नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून करके, और नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से भूनना है, थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, मसाला जल ना जाए। जब तक मसाला तेल ना छोड़े तब तक हमें फ्राई करना है। अब इसमें मैंने उबले हुए मटर और चना ऐड कर दिया है, और तले हुए सब्जी भी ऐड कर दिया है। अब इसको बहुत अच्छे से हमें मसालों के साथ भूनना है। देखिए फ्रेंड, अच्छे से भून लिया। अब पानी ऐड करूंगी ग्रेवी के लिए। ये टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस एक सब्जी है। अब इसमें अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार चीनी ऐड कर दिया है। ये सब्जी खट्टा मीठा स्वाद का होता है, चटपटी। अब ढक के इसको बॉयल कर लेना है। होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगा। तो देखिए आलू गल गया है, मेरा बन के तैयार हो गया है सब्जी। और अब इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है। अगर रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन, और वीडियो बिना स्किप किए देखने के लिए थैंक यू सो मच।